हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। तो यहां से हम अपने कोल माइन रेगुलेशन के एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डे टू डे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 76 और रेगुलेशन नंबर 77। तो रेगुलेशन नंबर 76 का टाइटल है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन, जिससे हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस केस में वाइंडिंग इंजन मैन को चलाने के लिए इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि वाइंडिंग इंजन चलाने के लिए हम लोग को एक इंजन ड्राइवर का होना जरूरी है, एक इंजन ड्राइवर मैन का होना जरूरी है, जो क्या करेगा वो इंजन को वो चलाएगा। आइदर वो मैकेनिकल मीन्स हम लोग जो शाफ्ट में भेजते हैं जिससे मैन या फिर मटेरियल आना जाना करते हैं उसको वो चलाता है। तो किस केस में वाइंडिंग इंजन मैन जो है उसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो चलेगा। पहला ऑप्शन है अगर इलेक्ट्रिकल इंजन है 30 हॉर्स पावर तक का है तो नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजन है 18 हॉर्स पावर तक का तो भी नहीं है तो चलेगा, स्टीम इंजन है जिसका सिलेंडर का डाया 18 सेंटीमीटर तक है तो भी है तो नहीं चलेगा, मतलब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है स्टीम इंजन सिलेंडर का डाया 30 सेंटीमीटर तक है तो भी वाइंडिंग इंजन को चलाने के लिए इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ई है ए एंड सी या ऑप्शन नंबर एफ बी एंड डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, यानी कि ए एंड सी। जब भी इलेक्ट्रिकल अगर वाइंडिंग इंजन है और उसमें इलेक्ट्रिकल इंजन लगा हुआ है और उसका पावर जो है वो 30 हॉर्स पावर तक है, या फिर अगर स्टीम इंजन सिलेंडर है और उसका सिलेंडर का डाया 18 सेंटीमीटर या उससे कम है, तो इस केस में वाइंडिंग इंजन को चलाने के लिए इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। अभी तक आपने अगर रेगुलेशन नंबर 75 तक के एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके पहले रेगुलेशन नंबर 75 तक के एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, फिर इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिए और आगे 76 और 77 को भी सॉल्व कीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है चैनल पर, अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाके सीएमआर के सारे रेगुलेशन के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट किस रेगुलेशन के बेसिस पे मिलता है, मतलब इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट कौन सा रेगुलेशन हमें देता है। रेगुलेशन 11, रेगुलेशन 12, रेगुलेशन 13, रेगुलेशन 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेशन 11 जो है सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड हम लोग को क्या देता है, एक सर्टिफिकेट देता है, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट देता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्पेशल कंडीशन में इस रेगुलेशन में यानी रेगुलेशन नंबर 76 में छूट कौन देगा, कौन वो पर्सन है जो छूट दे सकता है। सीआईएम साहब दे सकते हैं, आरआईएम साहब दे सकते हैं, मैनेजर दे सकते हैं या फिर ओनर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम साहब स्पेशल कंडीशन में अपना एक स्पेसिफिकेशन यानी ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर जिसमें अपना वो शर्त लागू करके जारी कर सकते हैं और इस रेगुलेशन में छूट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इमरजेंसी के केस में वाइंडिंग इंजन कौन चला सकता है। मान के चलिए वाइंडिंग इंजन मैन नहीं है या फिर उसको कुछ हो गया, तो अब केज जो है, जो वाइंडिंग में केज चल रहा है, शाफ्ट में केज चल रहा है, वो तो रुकेगा नहीं, ऑपरेट करने के लिए कोई चाहिए, तो इमरजेंसी में उसको कौन ऑपरेट कर सकता है। कोई भी कर सकता है, कंपिटेंट पर्सन कर सकता है, सरदार कर सकता है या फिर ओवरमैन कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी कंपिटेंट पर्सन इमरजेंसी केस में वाइंडिंग इंजन को ड्राइव कर सकता है, चला सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसी वाइंडिंग इंजन मैन की ड्यूटी में रिलैक्सेशन कौन दे सकता है। वाइंडिंग इंजन मैन का ड्यूटी बहुत ही आरडीएस होता है, आरडीएस मतलब होता है बहुत ही मुश्किल भरा होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 8 का 8 घंटा काम करना, आप कितने घंटा करना है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन 8 घंटा से उसका काम को कम कौन कर सकता है कि चलो तुम 8 घंटा नहीं तुम इतना घंटा काम करो। सीआईएम साहब कर सकते हैं, आरआईएम साहब कर सकते हैं, मैनेजर कर सकते हैं या फिर ओनर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरआईएम साहब जो है वो वाइंडिंग इंजन जो ड्राइवर है उसके ड्यूटी में क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं, उसके वर्किंग आवर को कम कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाइंडिंग इंजन मैन का जो ड्यूटी है वो 8 घंटा से कम करके कितना घंटा किया जा सकता है, उससे कम नहीं करना है, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा या फिर 7 घंटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटा तक किया जा सकता है मैक्सिमम, उससे कम नहीं किया जा सकता, मतलब 8 घंटा का ड्यूटी हो गया सीधा 5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा ड्यूटी करके वो अपना शिफ्ट छोड़ के जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 77 की तरफ, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन मतलब माइंस में या उसके पार्ट में कहीं भी हम लोग वाइंडिंग इंस्टॉलेशन लगा रहे हैं तो क्या क्या प्रक्रिया है, ये हम लोग देखते हैं रेगुलेशन नंबर 77 में। रेगुलेशन नंबर 77 का पहला क्वेश्चन है, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का नोटिस किसको दिया जाता है, अगर न्यू वाइंडिंग इंस्टॉल किया जा रहा है तो उसका नोटिस किसको दिया जाएगा, सीआईएम को,
RIM को, DGMS को, या फिर बोथ A एंड B, यानी CIM और RIM दोनों को दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं इस रेगुलेशन का। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का नोटिस कौन भेजेगा? यहाँ पे विंडो नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे वाइंडिंग होगा। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का नोटिस जो CIM और RIM को भेजना है वो कौन भेजेगा? ओनर भेजेगा, एजेंट भेजेगा, मैनेजर भेजेगा, या फिर ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो ये ओनर, एजेंट और मैनेजर तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये होती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का नोटिस वाइंडिंग इंस्टॉल करने के कितने दिन पहले भेजना है? अब ऐसा तो नहीं है कि आज आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आज ही नोटिस भेजिएगा, आपको कुछ दिन पहले CIM और RIM तो भेजना होता है, जो ओनर, एजेंट और मैनेजर भेजता है। तो कितने दिन पहले भेजना होगा? 30 दिन पहले, 60 दिन पहले, 90 दिन पहले, या फिर तुरंत जिस टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं उसी टाइम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन पहले हम लोग को न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का नोटिस भेज देना होता है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। एक माइंस में अगर वाइंडिंग सिस्टम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब नया वाइंडिंग नहीं लाया जा रहा है उस माइंस में, क्या किया जा रहा है कि माइंस बहुत बड़ा है, एक जगह से उठा के उसके दूसरे जगह फिक्स किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग CIM और RIM को नोटिस भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे? ये है क्वेश्चन नंबर फोर। ऑप्शन ए है यस भेजेंगे, ऑप्शन बी है नो नहीं भेजेंगे, ऑप्शन सी है जैसा RIM साहब बोले, या ऑप्शन डी जैसा CIM साहब बोले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस। अब देखिए, वाइंडिंग इंस्टॉलेशन नया इंस्टॉल हुआ है तो ही सिर्फ नहीं भेजना है, अगर एक माइंस से दूसरे माइंस में जा रहा है या फिर माइंस के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसको खोल के लगाया जा रहा है तो भी वो इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग माना जाएगा कि वो न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन ही है, आप नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन ही लगा रहे हैं। तो इसके लिए आपको फिर से CIM और RIM के पास नोटिस भेजना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वाइंडिंग सिस्टम में कुछ भी एडिशन करने का, एडिशन करने का मतलब वो पर्सन ऐसे बोल सकता है कि वाइंडिंग सिस्टम में ये चीज का कमी है, आप ये भी लगाइए, ये चीज एक्स्ट्रा लगा दिए, इसको हटा दीजिए। एडिशन या फिर रिडक्शन या किसी भी तरह का अल्टरेशन करने का परमिशन कौन दे सकता है वाइंडिंग सिस्टम में? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी DM, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CIM साहब जो है वो परमिशन देके क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का एडिशन का, वाइंडिंग सिस्टम में किसी भी एडिशन का परमिशन दे सकते हैं कि आप इसमें और एक चीज ये चीज लगा दीजिए, वो सेफ्टी के लिए, पर्सन के सेफ्टी के लिए सही रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको रेगुलेशन नंबर 76 और 77 से अब कोई डाउट नहीं होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है इन रेगुलेशन में तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और अभी तक आपने CMR के 75 तक के MCQ को सॉल्व नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके उसको प्लीज सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।